Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. I am Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in heterocyclic chemistry. Today our topic is indole. I will discuss some methods which are used for the preparation of indole. In my previous lecture I have discussed general structure, aromaticity, acid base properties of indole and uh, Fischer indole synthesis and Reissert indole synthesis I have discussed in my previous lectures today i will discuss some more methods which are used for the preparation of indole so let's start with the preparation of indole today i will discuss first the bischler synthesis bischler synthesis uh, this method is used for the preparation of indole so in this uh, react method we have a reaction between aromatic amine like aniline with alpha halo ketone so the first step uh, is the attack of this nitrogen at this alpha carbon and replacement of this nucleophile br this reaction it is acid catalyzed okay then we have nh2 सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ आर आप जो है वो आ, बेंजीन भी ले सकते हैं कोई ग्रुप जो है वो आप ले एरोमेटिक अगर ये आर जो है वो फिनाइल है तो देन दिस नाइट्रोजन इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड बी आर इज यर नेगेटिव चार्ज एन अदर मालिक्यूल ऑफ ए मीन एन एम ज द इलेक्ट्रोफिलिक्सिटी कार्बन तो ये जो नाइट्रोजन है अटैक सो इट रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ हैच टू पॉजिटिव दैन सी एच टू और यहाँ आपके पास कार्बनल कार्बन ये आपके पास फिनाइल रिंग या गया है सो दिस नाइट्रोजन अटैच विद टू हाइड्रोजन सो ऑक्सीजन तो इस रिएक्शन में आपके पास जो है वो माइनस एच टू ओ ये जो है वो रिमूव होगा सो दिस बी आर नेगेटिव और एन एच टू पॉजिटिव सो दिस कार्बन इट विल बिकम इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज नो इट विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप सो पाई इलेक्ट्रॉन अटैक्स एट दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड इज क्लीव

अटैच होगा फाइन सो हेयर वी हैव हाइड्रोजन एंड दिस बी कार्बन इट विल बिकम पॉजिटिव रिचार्ज बी आर नेगेटिव यही जो बी आर नेगेटिव है ये यह यहाँ जो है वो आ जाएगा एंड देन दिस हाइड्रोजन शिफ्टड हेयर यहाँ एच बी आर जो है वो निकल जाएगा देन वी हैव दिस फिनाइल रिंग एंड वी हैव दिस कार्बन आर आर फिनाइल रिंग एन नंबर पॉइंट ये आपके पास जो है वो एक uh, मीन जो है वो इट इट इज टाटोमराइज बाई शिफ्टिंग ऑफ दिस हाइड्रोजन मोर स्टेबल टाटोमर बिकॉज इट इज एरोमेटिक इन नेचर सो टू सबटूट पाई रोर्स दे कैन बी सिंथिसाइज बाई फॉलोइंग दिस रिएक्शन अगर ये आर जो है वो फिनाइल uh, रिंग है तो इट इज टू फिनाइल इनडोर सो इन बिशलर सिंथिस वी कैन सिंथिसाइज सब इन डोर बाई फॉलोइंग एरोटिक के मीन्स विध एल्फा हेलो कीटोन्स एंड दिस एरोमेटिक के मीन वी स्टार्ट हेट एनिलीलिन एंड यहाँ आपके पास जो है वो कीटोन है फिनाइल या मिथायल

इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ आर्थोनाइट्रोटॉलोवीन विथ दिस इज एन एन डाइमिथाइल ये आपके पास एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का जो है वो एसीटॉल है ठीक है कि अगर यहां कार्बोनाइल ग्रुप हो एल डी हाइड एन एन डाइमिथाइल फार्मामाइड तो मैथेनोल के साथ आप उसका जो है आपने एसिटॉल बना लिया दिस रिएक्शन इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोन सो द फर्स्ट रिएक्शन इज द लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन अटैक्स एट दिस कार्बन और यहां जो है वो एन एमीन जो है वो रिलीज होगा एन एच सी एच थ्री सी एच थ्री और आपके पास यही जो एसीटॉल है ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री ये पायरोलीन के साथ जो है वो बन जाएगा ठीक है सो इट मीन दिस रिएक्शन इज बेस एट लाइस

ये आपके पास जो एक बेस जो है वो प्रोड्यूस हुई है सो दिस नेगेटिव अटैक्स एट दिस कार्बन और ये मिथॉक्सी यहां से जो है वो रिलीज uh, होगा आप यही समझ लें यहां जो रिएक्शन हो रहा है दिस सी टू नेगेटिव इट एक्चुअली रिएक्ट्स विद कार्बन ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप ठीक है क्योंकि आपने एल्डिहाइड को यहाँ प्रोटेक्ट किया हुआ एसिटॉल उसका जो है वो बनाया है ठीक है तो ये इट इज जस्ट लाइक कंडेंसेशन रिएक्शन है ये जैसे आप क्लेजन कंडेंसेशन जो है वो पढ़ते हैं जिसमें एक्टिमेथलीन कार्बोन कार्बन पे जो है वो अटैक करती है देन वी हैव सी एच वी वी दिस ठीक है तो यहां आपके पास ये दोनों मैथेनोल के फर्स्ट दिस कार्बन व्हेन अटैक्स एट दिस कार्बन ओ सी एच थ्री रिमूव एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन एंड मिथॉक्सी यहां से जो है आपके पास uh, मैथनोल रिमूव uh, होगा ठीक है एंड हियर वी हैव ग्रुप दिस अगर जो है वो हाइड्रोजीन हाइड्रेट uh, जो है वो या uh, रेने निकल की प्रेजेंस में आप इसकी जो है वो रिडक्शन करते हैं देन इट इज रिड्यूस्ड इनटू टू एनएच टू एन एच टू फाइन देन दिस एनएच टू दिस लोन पेयर अटैक्स एट दिस कार्बन और ये यहां से ग्रुप जो है वो रिमूव uh, होगा देन वी हैव इट द इंडोल बोपायरोल और यहाँ से आपके पास जो ग्रुप रिमूव होगा वो है पायरो बिकॉज दिस पायरो वी हैव यूज दिस दिसरोडीन एज अ बेस कैटलिस्ट ये फर्स्ट टेप में जो है वो इनकारट हुई थी सो दिस बैचअल्ड इन ग्रुपर सिंथसिस इट ऑल्सो गिव्स अस दिस बोपा बेनजोपायरोज अ फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इट इज अवर रिएक्टेंट सार आर्थोनाइट्रोटालुइन और ये एन एंड डाइमिथाइल फार्मोमाइड का एसिटॉल है आप डायरेक्टली भी ये रिएक्शन कर सकते हैं एन एन डाइमिथाइल फार्मोमाइड का और आर्थोनाइट्रोटालुन uh, का जैसे आपने इसके साथ किया फर्ज करें यही रिएक्शन अगर आप इसके साथ करें देन वी हैव यहां आपके पास एन नो टू और नंबर वन एन सी एच थ्री सी एच तो इसकी बजाय आपके पास ये इंटरमीडिएट जो है वो प्रोड्यूस होगा फिर आप इस एन ओ टू को जब एन एच टू के साथ रिएक्ट करेंगे तो पेयर उसी तरह इस कार्बन के साथ अटैक करके आपको ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो दे देगा बट इफ वी यूज दिस आर्थोनाइट्रोटालुइन और इसका डायरेक्ट रिएक्शन आप जो है वो एन एन डाइमिथॉल फार्मामाइट डाइएसिटॉल के साथ जो है वो करते हैं देन यील्ड इज नॉट गुड सो टू इम्प्रूव दीड ऑफ रिएक्शन अगर आप जो है वो यही रिएक्शन uh, इन डिपेंडेंस ऑफ पायरुल करेंगे दैन uh, यहाँ जैसे ही ये जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा दैन ही रिएक्शन इज uh, इम्प्रूव एंड और ये जो है वो हम इसको जो है वो प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू यूजिंग एन एंड डायमिथल फार्मामाइड एसिटॉल सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रप्रेशन ऑफ इनडोर बाई बिशलर सिंथसिस एंड बेचल इन ग्रूबर सिंथसिस Uh, in my upcoming lecture, I will discuss the chemical reactivity of indole. Thank you very much.